नमस्ते सबको, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रियंका पढ़ाती हूँ आपको बायोलॉजी। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का आरटीजे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, हम देते हैं नीट और जेई की कोचिंग और मैं पढ़ाती हूँ आपको बायोलॉजी। तो आज हम रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का लेक्चर 2 जो है वो लेने वाले हैं। आगे हम उस पर बात करने वाले हैं। पिछले लेक्चर पे भी हमने पढ़ा था कि क्या होता है रिप्रोडक्शन, कितने टाइप का होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। पर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात करना चाहूंगी आप लोगों से कि जो भी आप लास्ट में क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, तो बेहतर होगा आप उसकी आंसर्स जो हैं वो नीचे कमेंट सेक्शन में भी दें, तो उससे बहुत अच्छा होगा। मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप देख रहे हैं लेक्चर को, पूरा फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई ऐसे आ रहा है घूमते हुए, देखता है, अच्छा 2-4 मिनट के लिए, यार मजा सा नहीं आ रहा है कुछ, पूरा लेक्चर देखिए, हर बात को समझने की कोशिश करिए। अगर कोई बात फिर समझ नहीं आती है वो भी कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि ये बात हमें समझ नहीं आई है, आप कृपया करके इसको एक्सप्लेन करें। मैं जरूर एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन आप पूछेंगे तो। और मैक्सिमम बच्चे मैं देख रही हूँ कि शायद पूरा फॉलो नहीं कर रहे हैं। बहुत अच्छा होगा अगर आप पूरा का पूरा लेक्चर फॉलो करेंगे। तो पिछले सेक्शन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया गया था, तो आज हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में, फिर नेचुरल मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जैसे कि स्टोलन्स हो गए, शकर हो गए, आपके पास राइजोम हो गया, कॉर्म हो गया, एंड आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन जिसमें हम कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, माइक्रो प्रोपगेशन पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो देखिए लेक्चर शुरू करने से पहले, लेकिन जिसने देखा होगा पिछला लेक्चर वो कर पाएगा इनकी क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस के आंसर, ठीक। तो जरूर 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 बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में, अगर आपने लेक्चर देखा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे इन क्वेश्चंस के आंसर, और मैं कमेंट्स चेक करूंगी आप आंसर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिर्फ व्यूज गिनने से नहीं होता है, मैं व्यूज गिनूं कि कितने व्यूज आ रहे हैं, मुझे देखना है कि कितने लोग जो हैं वो आंसर कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आपके पास, आपको कैसे आंसर करना है। जो ए वाला, ए जो ए लिखा है, ए का ये जो इमेज है ये किसका है, बी जो इमेज है ये किसका है, फिर बी पे जो 1 पे जो लिखा है यहाँ पे क्या नेमिंग आएगी, सी पे पहले बताएंगे आप सी है क्या, और उसके ऊपर 2 और 3 जो दिया गया है वहां पे क्या नेमिंग आएगी, और लास्ट वन डी क्या है। इस तरह से आप आंसर करेंगे। मेक श्योर कि जो भी लेक्चर देख रहा है वो आंसर जरूर करें। अगर आंसर नहीं आता है तो आप पिछला वाला जो लेक्चर है वो देख सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी एनसीईआरटी खोल के भी देख सकते हैं अगर आपको वैसे ही आंसर करना है, लेकिन आपको आंसर करना ही करना है। मैं चाहती हूँ मैक्सिमम बच्चे इन क्वेश्चंस का आंसर करें जो भी क्वेश्चंस मैं पूछा करूंगी, और आपको जहां भी समझ नहीं आता है हर बार हर लेक्चर में इस बात को मैं रिपीट करूंगी कि आपको जहां भी समझ नहीं आता है आप पूछो, मैं आपको बताऊंगी। सिर्फ देख के चले नहीं जाना है और आधा लेक्चर बीच में छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट आपके पास देखिए इमेज है, ये जो ए पे है, ए पे है ये क्या है, ठीक है, और ए पे एक तो आईज दिया है, ए पे जो 1 दिया है यहां पे क्या नेमिंग आएगी, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी पे जो 2 है इस पे क्या नेमिंग आएगी, फिर सी क्या है, डी पे जो 4 दिया है उस पे क्या नेमिंग आएगी, और ई क्या है। देखिए आज दरअसल हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और एक और बात ध्यान देंगे आप सब लोग, एनसीईआरटी में जो मैं आज लिखवाने वाली हूँ, एनसीईआरटी में वो बहुत सारी चीजें नहीं दी हैं, उन्होंने बस टर्म्स दे के छोड़ दी हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ये डायग्राम्स दी हैं और फिर ज्यादा बात नहीं बताई है। तो बेहतर होगा जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स बना लें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और जहां पे भी आपको कंफ्यूजन होगी आप पूछ सकते हैं, तो ये आप मुझे बताएंगे। खैर आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप पहले कमेंट सेक्शन में भी मुझे बताएंगे कि ये सब क्या है। चलिए ठीक है, तो हम अपना लेक्चर जो है वो शुरू कर रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अच्छा लास्ट लेक्चर में कुछ कुछ क्वेश्चंस आए थे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है क्या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो बिल्कुल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्या नहीं इन्वॉल्व होते, इसमें गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, और गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, सिंगल पेरेंट होता है, जितने भी इंडिविजुअल्स आते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली एक दूसरे के सिमिलर होंगे, उनको भी हम क्या कहेंगे, क्लोन ही कहेंगे। क्या कहेंगे हम उनको,
क्लोन्स ही हम उनको कहेंगे। और क्लोन कहा था मैंने, जैसे अगर सेम सेम इंडिविजुअल है, बिल्कुल सेम मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल सिमिलर है वो इंडिविजुअल, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल, दूसरा इंडिविजुअल जो होगा वो क्या होगा? क्लोन। एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल का क्या होगा बेटा? क्लोन होगा, ठीक है। लेकिन वो एक अकेला इंडिविजुअल, एक एक को हम क्या बोलेंगे? एक को हम बोलेंगे रैमिट। लेकिन आमने सामने जब हम उसको देखेंगे, अच्छा ये दूसरे का क्लोन है, तब हम ये नहीं कहेंगे कि ये दूसरे का रैमिट है। इस तरह से लीजिए कि वो एक रैमिट है, लेकिन जो सामने दूसरा रैमिट है उसके लिए वो क्या है? क्लोन है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है? सोमैटिक प्रोपगेशन भी अगर आप कभी पढ़ते हैं, ठीक, तो सोमैटिक रिप्रोडक्शन भी आप कभी पढ़ते हैं, तो देखिए जिसमें गैमीट का कोई काम ही नहीं होगा, बिल्कुल वेजिटेटिव पार्ट जो है जब रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, तो उस टाइम हम क्या बोल सकते हैं? सोमैटिक रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में नेचुरल मीन्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के, और आर्टिफिशियल मीन्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के। समझ रहे हैं ना आप? नेचुरल में जो सबसे पहले आता है, नेचुरल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आते हैं रनर्स, स्टोलोन्स, ऑफसेट्स, सकर्स, बल्ब्स, राइजोम, ट्यूबर एटसेट्रा। देखिए ये सब के सब जो है एनसीईआरटी ने इनके बारे में लिख के छोड़ दिया है, उन्होंने ज्यादा नहीं बताया है। उनके ना बताने का रीजन ये है कि उन्होंने एनसीईआरटी +1 की जो है वो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में स्टोलन, ऑफसेट, सकर इनकी बात करती है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इनको एक्सप्लेन नहीं किया है। लेकिन बहुत बार बच्चों को जो है कंफ्यूजन रह जाता है, और मैं पूरा इंश्योर करूंगी कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। स्टिल आपको कंफ्यूजन है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो चलिए पहले, सबसे पहले हम बात करेंगे रनर्स की, ठीक। तो रनर्स देखो, इनमें जो है जैसे हम बात कर रहे हैं, रनर हो गए, स्टोलन्स हो गए, ऑफसेट्स हो गए, ठीक है। ये तो क्या है? ये एरियल स्टेम्स की मॉडिफिकेशंस हैं, ठीक। ये सकर, बल्ब, राइजोम, ट्यूबर, ये क्या है? अंडरग्राउंड स्टेम है, जो स्टेम के नीचे होते, सॉरी, जो ग्राउंड के नीचे होते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए ये आपको दिख रहा है ना रनर, ये क्या दिख रहा है आपको? रनर। तो इसमें क्या है? इंटरनोड, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, दिखाई दे रहा है, ये एक नोड है, दूसरा नोड है, इसके बीच में क्या है? ये इंटरनोड है। तो आप देख रहे हैं ये स्टेम ही है बेटा, ये जो क्या है, ये क्या है? ये स्टेम ही है। ये जो स्टेम है ये फ्लैटन्ड है, फ्लैट है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट है और हॉरिजॉन्टल है। ये क्या हो गया? वर्टिकल ना, ये ऊपर को क्या हो गया? वर्टिकल। और ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। तो ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेट है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक। अब इसमें उभार नहीं है ना, इस तरह से उभार नहीं है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो बीच में कुछ भी अगर आता है तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, वहां पे रुक जाएगा, ठीक। इसीलिए लिखा है रनर्स प्रोग्रेस अलोंग द ग्राउंड स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल, दे कैन नॉट ओवरकम स्मॉल ऑब्स्टेकल्स एंड हैव शॉर्टर इंटरनोड्स। अब जब हम बोल रहे हैं शॉर्टर इंटरनोड्स, तो किसके कंपैरिजन में बोल रहे हैं हम शॉर्टर इंटरनोड्स? स्टोलन्स के कंपैरिजन में हम बोल रहे हैं शॉर्टर इंटरनोड्स। बहुत बार इन जनरल हमें अगर टर्म यूज करनी हो तो स्टोलन्स रनर की ही तरह होते हैं। स्टोलन कैसे होते हैं? रनर की ही तरह होते हैं। बहुत माइन्यूट इनमें डिफरेंस होता है, ठीक। स्ट्रॉबेरी एनसीआरटी पे स्पेशली एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, +1 के एनसीआरटी में भी दिए गए हैं, मैं यहाँ भी इंक्लूड कर रही हूँ, आपको चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो वहां पे साइनोडॉन दूब ग्रास जो है वो किस पे रखा गया है? रनर। साइनोडॉन दूब ग्रास, इसको हम बोलते हैं ऑक्सालिस वुड सॉरेल। ऑक्सालिस का जो कॉमन नेम है वो है वुड सॉरेल। हाइड्रोकोटिल जो है ये सब किस में आ गए? रनर्स में आ गए। कई बार हमारे पास, आप अलग अलग जगह पे पढ़ेंगे, स्ट्रॉबेरी को भी रनर्स में लिखा होगा, बट मोर एप्रोप्रिएटली वो रनर्स में नहीं आती है। रनर्स में जो मेनली आए, आप मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे इन सारे एग्जांपल्स को, साइनोडॉन, ऑक्सालिस एंड हाइड्रोकोटाइल, वेरी इंपॉर्टेंट, साइनोडॉन एंड ऑक्सालिस आपको याद रखना है कि रनर्स। तो रनर्स आपको क्लियर हुआ है कि रनर्स क्या होते हैं? तो रनर्स कैसे होते हैं? उनमें
जो स्टेम है वो ग्राउंड पे स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है, बीच में बिल्कुल स्ट्रेट है ना, वो उस पे कोई आर्च नहीं बना है, आर्च नहीं है वो, तो वो क्या करेगा, छोटे छोटे जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे बीच में उनको वो ओवरकम नहीं कर पाएगा, समझ गए ना। तो ये हो गए रनर्स। अब स्टोलन्स क्या हो गए आपके पास, स्टोलन्स मैंने अभी कहा था, स्टोलन्स बिल्कुल किसकी तरह होते हैं, रनर्स की तरह ही स्टोलन्स होते हैं। लेकिन 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 कहाँ पे डिफरेंस आ गया, डिफरेंस ये आ गया कि जो स्टोलन्स हैं उनका स्टेम कैसा है, आर्च है। मानते हैं, हम मानते हैं कि स्टेम किस तरफ को ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है हॉरिजॉन्टली, लेकिन कैसा है, आज है। वेरी गुड, डू यू गेट द डिफरेंस, क्या आपको समझ आया रनर्स और स्टोलन्स में क्या डिफरेंस है। देखिए आगे, एक तरह से रनर्स आप देख लेंगे ये क्या है, एकदम फ्लैट है ठीक, और स्टोलन में मेनली कैसा होता है, ऐसे आज बना होता है, आज आपको मिलेगा, बीच बीच में कैसा होगा स्टोलन, आज होगा। और जो आपके पास रनर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं बिल्कुल, क्योंकि इनमें अब आर्च बना हुआ है। दे कैन ओवरकम स्मॉल ऑब्स्टिकल्स एंड हैव लॉन्गर इंटरनोड्स। अब देखिए, पहले जब मैंने लिखा था रनर्स, तो रनर्स में मैंने कहा था कि रनर्स में इंटरनोड कंपेरेटिवली शॉर्टर होगा। किसके कंपैरिजन में शॉर्टर होगा, वो स्टोलन के कंपैरिजन में शॉर्टर होगा, लेकिन स्टोलन में जो इंटरनोड होगा वो कंपैरेटिवली लॉन्गर होगा, क्योंकि वो आस्ट है, जब उसको फ्लैटन किया जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, लॉन्गर ही होगा। तो आपके पास स्टोलन का एग्जांपल क्या आता है, फ्रिगेरिया। फ्रिगेरिया को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉबेरी। एंड जैस्मिनम, जैस्मिनम क्या आ गया, जैस्मिन। एग्जाम्पल फटाफट से दोबारा से रिवाइज करेंगे, बताएंगे मुझे रनर्स के एग्जाम्पल आपने क्या पढ़े, बताइए 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 रनर्स के एग्जाम्पल, कमेंट सेक्शन में भी लिखेगा क्या क्या आपने पढ़े हैं रनर्स के एग्जाम्पल। चलिए कमेंट सेक्शन में नहीं लिखने हुए इतना नहीं लिखेगा, कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन के आंसर जरूर करने हैं जो कि मैंने पूछे हैं, ठीक है। मेक श्योर आप आंसर कर रहे हैं, अदरवाइज आपका लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं बचता है। लेकिन जो बच्चा सीरियस होगा वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा, और जो आए हैं घूमते फिरते, ना आपको मुझसे कोई उम्मीद है ना मुझे आपसे कोई उम्मीद है, ठीक है। तो जो घूमते फिरते हैं वो ना आए, अच्छे से यहाँ पढ़ाई करने आए, ठीक है। तो रनर्स कंप्लीट हुआ हमारा, स्टोलन्स भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑफसेट्स, ठीक। तो ऑफसेट्स जो हैं वो होते हैं बेटा वन इंटरनोड लॉन्ग ऑफसेट। देखिए यहाँ पे डायग्राम नहीं दी गई है, आपको सिर्फ डायग्राम पे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आपका ध्यान सीधा किस पे जा रहा है, अच्छा डायग्राम देखते हैं हम। देखिए ऑफसेट मैंने इसलिए डायग्राम यहाँ पे नहीं रखा है क्योंकि आपने ऑफसेट देखा हुआ है, आपने पढ़ा, अभी मैंने जब शुरू में क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें भी आपने ऑफसेट देखा है। तो ऑफसेट जो है वो वन इंटरनोड लॉन्ग रनर की तरह ही होता है, जिसके एक नोड पे दूसरे एक नोड पे क्या होता है, बीच में इंटरनोड है ना, और दो नोड होंगे तो उन नोड पे क्या होगा, टफ्ट ऑफ लीव्स। एग्जाम्पल आपके पास आ गया पिस्टिया, जिसको हम वाटर लिट्यूस कहते हैं, एंड इकॉर्निया, जिसको हम वाटर हाइसिंथ कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऑप्शंस आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर दैट ड्वेल टफ्ट ऑफ लीव्स एट द एपेक्स, फॉर एग्जाम्पल पिस्टिया एंड इकॉर्निया। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक रहा है, तो वो सब आपको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आप नॉलेज पे ध्यान दें, मैं आपको बता रही हूँ, आप उसको सुनते रहें, बाकी चिंता ना करें, बाकी मैं सब खुद संभालूंगी, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आप जानने की कोशिश करेंगे तो ही। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट जो कंफ्यूजन रहता है बहुत बार, ये सकर्स में और राइजोम में लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। सकर्स में और राइजोम में क्यों कंफ्यूज रहते हैं, ये कंफ्यूजन भी हम आपकी अभी दूर किए देते हैं। चलो पहले आप पढ़ने की वजह सीधा डायग्राम पे आइए, देखिए यहाँ पे लिखा है राइजोम, लिखा है राइजोम या नहीं लिखा है, ये भी क्या है राइजोम, क्या ये राइजोम, ये क्या है राइजोम है ये, ठीक। लेकिन जैसे ही ये ग्रो करने लगा ऊपर को, तो ये क्या बन गया, शकर, दिख रहा है राइजोम शकर, राइजोम शकर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ, जल्दी से बताइए, नहीं आ रहा है तो देखिए बेटा,
राइजोम आगे, राइजोम आगे भी आप पढ़ने वाले हैं, लेकिन राइजोम जो है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। राइजोम कैसे ग्रो करता है? हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। और शकर जो है वो ऐसे ओब्लिकली, देख रहे हैं आप, ऐसे ओब्लिकली जो है वो नए प्लांट में ग्रो करता है। बनाना जो है, आप बहुत बार कंफ्यूज होते हैं कि बनाना, मैंने एग्जांपल लिखना भूल गई हूँ मैं यहाँ पे। बनाना जो है वो भी क्या है? एक शकर है, क्योंकि उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो किसके थ्रू होता है? वो ये शकर की फॉर्म में ही होता है। क्यों? क्योंकि माना उसके नीचे जो है वो क्या है? राइजोम। लेकिन जब वो ग्रो करेगा तो वो कैसे ग्रो करेगा? ऑब्लिकली ग्रो करेगा। और जब ये ऑब्लिकली ग्रो करता है, हम क्या टर्म दे देते हैं? शकर का टर्म दे देते हैं। तो आपको राइजोम और शकर के बीच में डिफरेंस पता चला या नहीं चला? चल गया पता? चलिए, यस मैम बोलिए। वेरी गुड। अब उसमें जितने भी लोग देख रहे हैं उनमें से पता नहीं कितने ही लोगों ने बोला होगा। चलिए देखिए, शकर्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द इरेक्ट शूट। देखिए ये इरेक्ट शूट है, ये इसका बेस है। ठीक, ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड कम्स आउट ओब्लिकली। जब ये हॉरिजॉन्टली, इस तरह से राइजोम भी बोल देंगे, राइजोम बोल देंगे हम इसको। ठीक, जैसे ही ऑब्लिकली ग्रो करने लगा है, हम इसको क्या बोल रहे हैं? शकर। तो थोड़ा सा ऑब्लिकली ग्रो करके जो, सॉरी, हॉरिजॉन्टली ग्रो करके जो ऑब्लिकली आता है, नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? शकर। देखिए ये भी क्या है, यहाँ पे शकर ही है। समझ गए ना आप? तो लग गया पता, राइजोम पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा। हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा तो जहां जहां पे उस पे, अगर यहाँ पे राइजोम पे क्या होता, अगर यहाँ पे नोड होता, यहाँ पे नोड होता, ठीक, तो ये क्या करता? सीधा ऊपर को ग्रो करता, सीधा ग्रो करता, ओब्लिकली ग्रो नहीं करता। जब ओब्लिकली ग्रो कर रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? शकर। तो एग्जाम्पल क्या आ गया यहाँ पे? मिंट एंड क्रिसेंथिमम। ध्यान देंगे, मिंट क्या है? एक शकर है। क्रिसेंथिमम भी क्या है? एक शकर है। ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे बल्ब के बारे में। ठीक है, बल्ब, बल्ब भाई कहाँ पहुंच गए? बल्ब पे तुम, बल्ब पे हो, अपने घर के बल्ब पे मत पहुंच जाना। बल्ब, ये कौन सा बल्ब है? वो बल्ब लाइट देता है तुम्हें, ये तुम्हारे खाने को लाइट देता है। ठीक है, बल्ब इज अ पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर, मतलब पियर शेप का। ठीक है, कैसे होता है? पियर शेप का थोड़ा स्ट्रक्चर होता है, जैसे नाशपति बोलते होंगे तुम पियर को। ठीक है, तो बल्ब कैसा होता है? पियर शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि, अगर, अच्छा कोई मुझे बता सकता है कि बल्ब में, आप बता सकते हैं मुझे कि बल्ब में स्टेम कहाँ है? किसी को दिख रहा है? चल रहा है बता? नहीं चल रहा है मैम, हमें पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो बेटा जो अनियन होता है, प्याज होता है, उसका वो हिस्सा जो कि हम ऊपर से हटा देते हैं, उसका टॉप हम हटा देते हैं ना, जब हमें उसको काटना होता है तो बाहर से छिलके हटाए जाते हैं उसके, तो टॉप जो है सबसे पहले हटाना पड़ता है। वही टॉप जो है वो क्या है? वही टॉप है अनियन का स्टेम, और इसी को हम बोल देते हैं बल्ब। समझ गए? बल्ब तो खैर ये पूरा ही हो गया। ठीक, लेकिन इसमें स्टेम कौन सा है जो बिल्कुल ये यहाँ पे? ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड स्टेम है ये। देखिए, बल्ब इज अ पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर हैव अ रिड्यूस्ड कॉन्वेक्स डिस्क शेप्ड स्टेम। देखो, पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर हो गया, पियर शेप स्ट्रक्चर हैविंग कॉन्वेक्स डिस्क शेप्ड, यहाँ छोटा सा कैसा होगा? छोटा सा डिस्क शेप का स्टेम होगा। अब देखिए, अब जो भी, जो हम अनियन खाते हैं, तो हम जो खा रहे होते हैं वो क्या होता है? अनियन की लीव्स होती है, ना कि उसका स्टेम होता है। समझ गए बच्चे आप? जो हम खाते हैं वो क्या होता है? अनियन की लीव्स, ना कि स्टेम। ठीक है, तो उसमें एक फ्लैशी, क्या होता है? फ्लैशी लीव्स होती हैं जो कि एक टर्मिनल बड को एंक्लोज करती हैं। ठीक है, वो बड ग्रो करती है ऊपर को फिर। ठीक, एक दिख रहा है आपको, टर्मिनल बड है। ठीक, और साइड में क्या है? क्या है साइड में? लीव्स हैं। अब ये आपको बाहर एक ट्यूनिका लीव्स दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही है? वही ये ट्यूनिका लीव बच्चे, वही हो गया जो हम बाहर से छिलका हटा रहे हैं, दैट इज ट्यूनिका लीव्स। तो ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है। ठीक, ट्यूनिकेटेड बल्ब आपके पास, जैसे आपके पास एलियम से आपका क्या है? ट्यूनिकेटेड बल्ब आ जाएगा। कंपाउंड बल्ब होता है जो गार्लिक होता है, गार्लिक आपके पास क्या आ जाता है? कंपाउंड बल्ब आ जाता है। उसमें इस तरह से वो, उसका जो बाहर होगा छिलका, वो ट्यूनिका नहीं कहा जाता है। ठीक है,
चलिए, बल्ब इज अ पायरी फॉर्म स्ट्रक्चर हैविंग रिड्यूस्ड कॉन्वेक्स डिस्क शेप्ड स्टेम, इट बियर्स फ्लैशी लीव्स दैट इंक्लोजेस अ टर्मिनल बड. एग्जांपल आ गया एलियम सेपा. तो भूलेंगे बल्ब क्या होता है? नहीं भूलेंगे मैम. क्यों नहीं भूलेंगे? क्योंकि मैम हमने सीखा है कि बल्ब जो है वो पियर शेप का होता है, उस पे एक रिड्यूस स्टेम होता है, आसपास जो होगी उसकी बहुत सारी जो फ्लैशी लीव्स होंगी जो एक टर्मिनल बड को एनक्लोज करेंगी. और ये किसमें होता है? ये होता है अनियन में. अनियन का साइंटिफिक नेम क्या हो गया? अनियन का साइंटिफिक नेम हो गया एलियम सेपा. चलिए चलिए, अब थोड़ी बातचीत की जाए. अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा. आपने क्या क्या सीखा अभी तक बताएंगे आप मुझे? क्या क्या पढ़ा आपने? हाँ, आपने स्टोलन्स पढ़ लिए, रनर्स पढ़ लिए, शकर्स पढ़ लिए, ठीक है. बल्ब भी आपने पढ़ लिया, ऑफसेट भी आपने पढ़ लिया, ठीक है. ये सब चीजें आपने पढ़ ली. आपको समझ आया या नहीं आया? आ गया, पक्का आ गया. जिसको नहीं आया, चलो पीछे से लेक्चर देखो, फिर से सुनो, फिर बताओ कि कहाँ कमी है, क्यों नहीं समझ आया है. ठीक, तो ट्यूनिकेटर, ट्यूनिका समझ गए ना आप? ये ट्यूनिका होती है, ओल्ड लीव्स होती हैं. ठीक, चलिए आगे. राइजोम. राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम है. राइजोम कैसा है? अंडरग्राउंड स्टेम. शकर भी एक अंडरग्राउंड स्टेम ही होता है, ठीक है. फ्लैशी है. चलिए देखिए, अदरक देखिए यहाँ पे, ठीक है. अदरक नहीं है ये, अदरक ही है ये, ठीक है. तो आपके पास चाहे टर्मरिक हो चाहे जिंजर हो, ये नहीं है आपके पास. क्या है आपके पास? ये थोड़ा आपको टर्मरिक जैसा भी लग रहा है और ये आपको थोड़ा जिंजर जैसा भी लग रहा है, ठीक है. चलिए जो भी हो, लेकिन हमारे लिए इस टाइम ये जरूर क्या है? ये राइजोम जरूर है, ठीक है. तो देखो, अब होरिजोंटली ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है. स्केल लीव्स भी होती हैं इस पे, जो आपको दिखती है ना जिंजर पे, आप कभी देखेंगे, टर्मरिक पे आपके आपको दिखेंगे, तो इस तरह से जो आपको लाइंस लाइंस दिखती है थोड़ी थोड़ी थोड़ी, वहां पे वो क्या होती है? स्केल लीव्स होती हैं. उनमें क्या होता है? बड भी होता है. इंटरनोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं. क्योंकि क्योंकि बेटा, ये जो राइजोम है, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. स्टेम ही स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हुआ है, इसीलिए इस पे जो रूट्स होंगी उनको हम क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट्स. क्योंकि ये ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, ठीक. ये होरिजोंटली ग्रो कर रहा है, फ्लैशी स्टेम है, जो कि क्या करता है? जब फेवरेबल कंडीशन आई तो उसने शूट बियर कर लिया, और जब कंडीशन जो है वो फेवरेबल नहीं होती हैं, तब वो मिट्टी के अंदर ही रह के पेरिनेट करता है, मतलब खुद को बढ़ा देता है. और अगेन जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो जहां जहां पे उसके क्या होंगे? नोड्स होंगे. जहां जहां पे उस पे बड होगी वो क्या करेगी? बाहर को शूट की फॉर्म में निकल आएगी. समझ गए ना बात? राइजोम इज अंडरग्राउंड फ्लैशी हॉरिजॉन्टली ग्रोइंग स्टेम. इट बियर शूट ड्यूरिंग फेवरेबल सीजन एंड पेरिनेट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस. पेरिनेट का मतलब आपको समझ आया है कि नहीं आया है बेटा? समझ आया है पेरिनेट का मतलब? पेरिनेट का मतलब क्या हो गया? क्या हुआ? कि वो अंदर ही रहेगा, जमीन के अंदर ही रहेगा और बढ़ेगा आगे को. तो इस तरह से क्या होगा? जब अनफेवरेबल कंडीशन है तब भी वो सेफ रह गया, और फिर वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करेगा जब क्या होंगी? फेवरेबल कंडीशन होंगी, ठीक है. और उसने पेरिनेट करके भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प करी है. वो खत्म नहीं हो गया, वो बढ़ता रहा, ठीक है. तो एग्जाम्पल आपके पास आ गया जिंजिबर ऑफिसिनेल, कुर्क्यूमा लॉन्गा, टर्मरिक सेकेरम ऑफिसिनेरम, जो कि है शुगर केन. चलिए, बल्ब और राइजोम भी समझ आ गया. चलिए फिर, ट्यूबर. ट्यूबर जो है, ट्यूबर आपको सबको पता है, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताएंगे आप ट्यूबर क्या होता है, किस पे होता है ट्यूबर? मैम हमें दिख रहा है, हम यहीं से फटाफट बताएंगे. किस में होता है? आलू में. आलू ले लो, आलू में होता है क्या? फिर आगे बोल रहे हो मैम कांदा भी ले लो, है ना. आलू ही क्यों लो मैम, कांदा भी ले लो. ना हम आलू लेंगे ना हम कांदा लेंगे, पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है. और खुद अपने पैसों का आलू और कांदा लेने लायक बनेंगे, ठीक है. अरे मैं तो हो चुकी हूँ, आपको बोल रही हूँ. फिर बोलेंगे मैम कौन सी बड़ी बात है, अभी भी हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हम आलू और कांदा खुद ही खरीद के ले आए, ठीक है. लेकिन आप मेरी बात समझेंगे नहीं. समझेंगे तभी अगर आप सीरियस होंगे अपने गोल को लेके. अगर आप सीरियस नहीं हैं तो
तो बस आलू और कांदा का मजाक बना के ही आप बैठ जाएंगे और 2 मिनट का लेक्चर देख के निकल जाएंगे, पूरा भी नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए। ट्यूबर बच्चे, अगेन मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। ट्यूबर भी क्या होता है? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, जिसमें बहुत सारी आई बर्ड्स होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। हमने देखा था पहले भी डायग्राम में देखा था, हर एक आई बर्ड जो है वो एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल आ गया सोलेनम ट्यूबरोसम, दूसरा आ गया हेलियंथस ट्यूबरोसम आर्टिचोक। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए बच्चे, सोलेनम ट्यूबरोसम मॉडिफाइड स्टेम है, हेलियंथस ट्यूबरोसम भी क्या है उसमें भी मॉडिफाइड स्टेम होता है ट्यूबर, लेकिन जो सोलेनम ट्यूबरोसम का ट्यूबर होगा उसमें स्टार्च स्टोर होता है। ठीक है, हेलियंथस जो ट्यूबरोसम है, हेलियंथस ट्यूबरोसम में क्या स्टोर होगा? इनुलिन, INULIN, इनुलिन स्टोर होगा। सोलेनम ट्यूबरोसम में क्या स्टोर होगा? स्टार्च। हेलियंथस ट्यूबरोसम में क्या स्टोर होगा? जल्दी से बताओ क्या स्टोर होगा? इनुलिन। अब बेटा ये इनुलिन क्या होता है तो ये ध्यान रखिएगा, फ्रक्टोज 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 मिलके क्या बनाता है? इनुलिन। ठीक है, फ्रक्टोज से क्या बनेगा? इनुलिन बनेगा। ठीक, समझ समझ गया आपकी? नहीं समझे तो आप फटाफट से बताइए, ट्यूबर किस किस में है? फ्रक्टोज से बनेगा क्या आपके पास? इनुलिन जो है, इनुलिन जो है वो फ्रक्टोज का ही पॉलीमर होता है, फॉर श्योर ये फ्रक्टोज का ही पॉलीमर होता है। ठीक है, वेरी श्योर ये फ्रक्टोज का ही पॉलीमर है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो कॉर्म, आगे ट्यूबर समझ आ गया। अब बात करते हैं कॉर्म की। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे? ठीक, तो जो कचालू होता है, अरबी होती है हमारे पास, वो कोलोकेशिया। अरबी वो क्या होता है? कॉर्म होता है। क्या होता है वो? कॉर्म। कॉर्न क्या होता है? अब देखिए, अब मैम हमें तो कचालू भी एक जैसा लगता है, वो अरबी एक जैसी लगती है, और हमें वो अदरक भी, हम पहले सोचते थे चलो वो भी राइजोम में ही आएगा, लेकिन बेटा ध्यान दो, राइजोम कैसा था? जो अदरक था वो कैसा था? वो फ्लैटन था, हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहा था। फर्क ये आ गया, कॉर्म जो है वो वर्टिकली ग्रो करता है, वो हॉरिजॉन्टली नहीं। कैसे ग्रो करेगा वो? वर्टिकली ग्रो करेगा। अरबी आपने देखी होती है कैसे ग्रो करती है? वर्टिकली। तो देखिए, कॉर्म इज अ कंडेंस्ड स्वोलन यूजली अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर, इट ग्रोज वर्टिकली। कैसे ग्रो करता है ये? वर्टिकली। एग्जाम्पल आ गया, कोलोकेशिया इज द साइंटिफिक नेम ऑफ कचालू, अरबी जिसको हम बोलते हैं। क्रोकस, क्रोकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सैफ्रॉन, केसर। अमॉर्फोफेलस, अमॉर्फोफेलस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ जमीकंद। ठीक है, समझ आ गया ये सारा? गुड। और साथ साथ में मुझे आंसर जरूर करते रहिए, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ बेटा कि जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं, जो भी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, उसका कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिए। समझ गए ना आप? ठीक है, जहां नहीं समझ आता है वापस से पीछे हटिए, रिवाइंड करिए लेक्चर को, फिर से सुनिए, नहीं समझ आता है फिर से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। चलो अच्छा बताओ, कितने लोग जो हैं वो सीरियस हैं अपने लेक्चर, अपने फ्यूचर को लेके कि हमें डॉक्टर बनना है? दिख रहा है ना तुम्हें अभी, डॉक्टर जो है वो क्या क्या नहीं कर रहे हैं, मतलब अपना लाइफ स्टेक पे रख के वो हमें हेल्प कर रहे हैं एट एनी कॉस्ट। और इस टाइम उनका जो रुतबा है सोसाइटी में, जो हर एक उन्हें इतना सम्मान दे रहा है, वो किसी को नहीं मिलता है। और मैं मानती हूँ बाकी भी जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, जो हमारे पुलिस हैं, जो हमारी मीडिया है, वो सब हेल्प कर रहे हैं, लेकिन भगवान का रूप किसको माना जा रहा है अभी? डॉक्टर को। तो डॉक्टर कौन बनेगा? डॉक्टर वही बनेगा जिसके सपने जो हैं वो बड़े होंगे। सपने बड़े रखने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर वही बनेगा जो उसके लिए मेहनत भी करेगा, जो वैसे चलेगा जैसे उसका गुरु उसको बताएगा। समझ गए ना? गुरु पे भरोसा रखिए, वो आपको पार लगाएगा, नहीं रखोगे तो आप खुद ही डूब जाओगे। ठीक है, चलिए। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन, नेचुरल मेथड हमने पढ़ लिए प्रोपागेशन की। नेचुरल मेथड में मतलब अपने आप से जैसे वो ग्रो कर रहा था। ठीक है, तो अब आ गया आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में, सबसे पहले हमारे पास आता है कटिंग। आर्टिफिशियल समझते हैं, मतलब जो हम खुद से करवाएंगे। नेचुरल मेथड में क्या हुआ बेटा कि नेचुरल मेथड में वो खुद से ही ग्रो कर जाएगा। जैसे हमने कहा राइजोम, तो राइजोम हॉरिजॉन्टली ग्रो करेगा, फिर जहां जहां पे उस पे बर्ड्स आएंगी, वहां नोड पे यूजली बर्ड्स आती हैं। ठीक, तो जहां जहां पे बर्ड्स आएंगी वहां वहां से नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन होता है उसमें हम अब
एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक समझते हैं हम, जब मनुष्य कोई कार्य करता है ठीक, तो उसको क्या बोला जाता है एंथ्रोपोजेनिक। तो हम जब खुद से करवाएंगे तो उसको हम बोल देंगे आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, वो नेचुरल नहीं हुई ना, वो आर्टिफिशियल ही हुई, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को। ठीक है। अब कटिंग में क्या होगा, कटिंग बहुत ही सिंपल सा मेथड है। कटिंग में क्या किया जाता है, सिंपल देखिए आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, सिंपली इसको कट किया ठीक है। यहाँ डायरेक्टली एकदम कई बार डाल देते हैं, कई बार नहीं भी डालते हैं, तो मेनली जो पर्पस रहता है कट करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए न्यूट्रिएंट मीडिया में रखा जाता है जिसमें असेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फिर ग्रोथ हॉर्मोन्स जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन जो हैं वो अप्लाई किए जाते हैं। साइटोकाइनिन क्योंकि यहाँ पे देखिए शूट है, तो साइटोकाइनिन जो है वो क्या कराता है, रूट फॉर्मेशन या शूट फॉर्मेशन? तो बेटा साइटोकाइनिन जो है वो शूट फॉर्मेशन कराता है, ऑक्सिन जो है वो रूट फॉर्मेशन कराता है। यहाँ पे भी आप कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि फॉर्मेशन तो ऑक्सिन ने करा दी रूट की, लेकिन इलॉन्गेशन वो शूट का कराता है बाद में। फॉर्म करने के बाद वो रूट को इलोंगेट नहीं करता, इलोंगेशन ऑक्सिन किसका करता है, शूट का। और साइटोकाइनिन, फॉर्मेशन तो साइटोकाइनिन किसकी करेगा, शूट की, लेकिन इलोंगेशन किसकी करेगा, रूट की। तो ठीक है, पहले यहाँ पे जैसे आप ऑक्सिन दे देंगे, ऑक्सिन रूट बना देगा, और फिर आगे साइटोकाइनिन जो है रूट की इलोंगेशन में हेल्प कर देगा। तो सिंपल क्या करेंगे, एक ब्रांच को लेंगे जिसपे बड होगा, उसको रिमूव किया जाएगा पेरेंट प्लांट से, और उसको न्यूट्रिएंट मीडिया में डाल के फिर सॉइल में, मॉइस्ट सॉइल में ग्रो करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए अ ब्रांच बियरिंग बड इज कंप्लीटली रिमूव फ्रॉम पेरेंट प्लांट, इट इज ट्रीटेड विद असेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ हॉर्मोन्स एंड इज देन अलाउड टू ग्रो इन मॉइस्ट सॉइल, लेटर इट ड्वेल्स इन टू अ न्यू प्लांट। समझ गए ना आप, ठीक है, कि उसको काटो, ऐसी ब्रांच जिस पे बड़ लगी है उसको कंप्लीटली पेरेंट से रिमूव करो, थोड़ा असेंशियल न्यूट्रिएंट्स दो, हॉर्मोन्स दो, और उसको फिर किसी मॉइस्ट सॉइल में डाल दो। थोड़ी देर में उस पे, थोड़े टाइम बाद उस पे रूट्स निकल आएंगे और वो फिर नए जो आपके पास प्लांट है उस फॉर्म में वो बन जाएगी। ठीक है, नया प्लांट बन जाएगा उसका। ठीक, तो अगर हम कटिंग के टाइप्स की बात करते हैं तो लीफ कटिंग, देखो आपने एक लाइन पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको पढ़ाया था कि ब्रायोफाइलम का जो ये कैपेसिटी है कि उसका, आपने पढ़ा था ना ब्रायोफाइलम की लीफ के मार्जिन पे जो है वो एडवेंटिशियस बड्स होती हैं, और हर एक बड जो है वो नया ब्रायोफाइलम पर बना सकती है, और इसी प्रॉपर्टी को जो है जो हमारे हॉर्टिकल्चर में होते हैं लोग, ठीक है, वो लोग इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा बनाने में उसको क्या करेंगे, वो वहां पे लीफ की क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे, जहां जहां पे बड है उसको क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे और नए प्लांट्स उससे ग्रो कर लेंगे। तो एक आ गया लीफ कटिंग, फिर आ गया रूट कटिंग, टैमरिन, टैमरिन जो होता है वो इमली होती है, एंड स्टेम कटिंग, जो सबसे ज्यादा की जाती है वो कौन सी है, स्टेम कटिंग। तो एग्जांपल जैसे ग्रेप, शुगर केन, रोज, बोगेनविलिया, ठीक, तो सबसे कॉमन कौन सी आ गई, स्टेम कटिंग। कटिंग समझ गए ना आप, कटिंग में क्या किया, कटिंग में सबसे पहले लिया आपने एक प्लांट, देखा प्लांट, देखने के प्लांट देख लिया भाई, फिर आपने उसकी ब्रांच देखी जिसपे क्या है, बड है, उसको कंप्लीटली उसके पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया, फिर उसको न्यूट्रिएंट्स दिए, उसको हॉर्मोन्स दिए, और उसको मॉइस्ट सॉइल में डाल दिया। थोड़े टाइम बाद आपने देखा तो उसपे रूट्स लग गई थी, और आपने फिर उसको एज अ इंडिविजुअल अलग प्लांट की तरह उसको ग्रो करा दिया। समझ गए ना या नहीं समझे, ठीक है। चलिए, कटिंग के बाद आता है लेयरिंग, ठीक, तो लेयरिंग जो है, लेयरिंग भी आर्टिफिशियली इंड्यूस की जाती है। अब लेयरिंग में पहले तो चलो यहाँ मैंने सीधा माउंड लेयरिंग और एयर लेयरिंग की बात करी है। सिंपल लेयरिंग होता है, सिंपल लेयरिंग भी होता है, ठीक है। तो सिंपल लेयरिंग में क्या होता है, पहले तो लेयरिंग देखिए, रूट्स आर इंड्यूस आर्टिफिशियली ऑन प्लांट बिफोर देयर डिटैचमेंट फ्रॉम पेरेंट प्लांट। तो क्या होगा, एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, उसकी कुछ ब्रांचेस हैं, कुछ टहनियां हैं जो कि धरती के साथ ही लगती हुई हैं, ऐसे समझिए बात को, ठीक है। यहां पढ़ना छोड़िए, मेरी बात सुनिए जो मैं बता रही हूं, ठीक है। एक पेड़ है, पेड़ की जो टहनियां हैं वो धरती के साथ थोड़ा पास ही हैं, तो आपने क्या किया, एक टहनी को थोड़ा झुकाया, ठीक, एक टहनी को झुकाया, उस पे देखा बड़ था, ठीक, उसको थोड़ा आप काटेंगे, ठीक, थोड़ा सा कट लगाएंगे या नहीं लगाएंगे जरूरी भी नहीं है, ठीक, तो उसको आप झुकाएंगे, ठीक, और उस पे एक्स्ट्रा जो लीव्स होंगे उनको हटा भी देंगे, ठीक। फिर
फिर आप उसको नीचे सॉइल में गाड़ देंगे, ठीक। लेकिन उसका जो टर्मिनल शूट होगा उसको कैसा रखेंगे, एक्सपोज बाहर की तरफ को रखेंगे, ठीक। और उस पर न्यूट्रिएंट्स डाल देंगे, हार्मोन्स डाल देंगे। कुछ टाइम बाद आप क्या देखेंगे कि उस पर रूट्स बनाए हैं। जब उस हिस्से पे रूट्स बनाएंगी तब उसको उसके पेरेंट प्लांट से अलग कर दिया जाएगा। आप ये देखिए जरा, ठीक है, ये देखिए, ये सिंपल लेयरिंग हो गया। क्या किया गया इसमें, देखो मैंने कहा ये है जमीन, जमीन के पास वाली टहनी, उसको झुकाओ, उसको मिट्टी में दबा दिया गया थोड़ा, उसको फिर किसी चीज की हेल्प से उसको वहां पे अटैच कर दिया जाएगा। फिर थोड़ी देर में क्या होगा, थोड़ी देर में नहीं, बहुत दिनों में, थोड़ी देर में कुछ भी नहीं हो जाता, ठीक। लेकिन देखिए हमने कहा झुकाना है, लेकिन इसका जो ये हिस्सा है, ये शूट वाला हिस्सा है, इसको एक्सपोज रखना है, बाहर की तरफ को रखना है, समझ गए ना। फिर यहां पे आप न्यूट्रिएंट्स डालेंगे, हार्मोन्स डालेंगे, थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्या बन जाएंगी, रूट्स। जब यहाँ रूट्स बन गई तो अब आपको यहाँ, अब आपको क्या करना है, इस ब्रांच को पेरेंट प्लांट से अलग कर देना है। अब देखिए ये पेड़ तो ऐसे ही रह गया, अब ये भी क्या बन जाएगी, नहीं, पेड़ की फॉर्म में ये बन जाएगा, ये ब्रांच भी एक नया पेड़ बन जाएगा, समझ गए ना। चलिए देखिए माउंट लेयरिंग को और क्या बोलते हैं, स्टूल लेयरिंग। अब इसमें क्या किया जा रहा है, देखो ये बहुत सारे यहाँ पे पहले थोड़े बहुत छोटे छोटे पत्ते होंगे, उनको हटा दिया गया, ठीक। ये मत समझना बेटा, देखो जमीन ये है जमीन, दिख रहा है आपको, जमीन ये है, ठीक। इसके ऊपर छोटे थोड़े बहुत पत्ते होंगे, उसको हटा दिया गया। हटाने के बाद क्या किया गया, उसमें ऐसे मिट्टी डाल दी गई, थोड़े न्यूट्रिएंट्स डाल दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या बन गई, रूट्स बन गई। क्या बन गई, यहाँ रूट्स बन गई। अब आप इसको भी काटो, इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, ठीक है। एक दो तीन, तीनों को अलग अलग काट दो, एक पेड़ से कितने पेड़ बन गए, तीन। लेयरिंग समझ आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं एक बार, देखिए इन माउंट लेयरिंग अ ब्रांच इज बेंट डाउन, नीचे हो इसको गड़ाया, पार्शियली डिफोलिएटेड, थोड़े थोड़े इसके जो उसपे पत्ते वत्ते थे थोड़ा उनको हटाया गया, थोड़ा बहुत उसको ऐसे खरोचा गया, ठीक है, थोड़ा सा। फिर इंजरीज मेड इन डिफोलिएटेड पोर्शन, जहां पे आपने पत्ते वगैरह हटा दिए वहां पे थोड़ी सी आप इंजरी करेंगे, थोड़ा सा वहां से काटेंगे। अब इस पोर्शन को सॉइल से आप क्या कर देंगे, कवर कर देंगे। दिस पोर्शन इज देन कवर्ड विथ सॉइल, लीविंग द टिप ऑफ द स्टेम आउटसाइड द सॉइल। लेटर द पैक पोर्शन, पैक जिसको आपने नीचे गड़ाया था, डेवलप एडवेंटिशियस रूट्स। रूट्स मतलब आपने जिसको ढका है ना और गड़ाया है नीचे, रूट ब्रांच इज देन कट एंड सेपरेटेड फ्रॉम पेरेंट प्लांट। क्या किया गया, अब जो ब्रांच जिसमें रूटिंग हो गई है उसको काटिए और पेरेंट प्लांट से अलग करिए। तो जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, चेरी, ग्रेप वाइन एक्सेट्रा जो है, इनमें लेयरिंग जो है वो की जाती है। तो आपको स्ट्रॉबेरी वगैरह याद रख लेना है, जैस्मिन याद रख लेना है, ये बहुत एक्सट्रीम ही नहीं है कि आप इनको बहुत ज्यादा याद ही रखें एनसीईआरटी के, लेकिन जो एग्जाम्पल है वो आपको सारे के सारे याद रखने होते हैं। लेयरिंग समझ आया, ठीक है। चलिए अब एयर लेयरिंग की बात करते हैं। एयर लेयरिंग में क्या हुआ, अब एयर लेयरिंग कहाँ अपना रोल प्ले करेगी, एयर लेयरिंग वहां अपना रोल प्ले करती है जहां पे प्लांट में क्या होता है, दूर ऊपर ऊपर जाके शाखाएं शाखाएं होती हैं, टहनियां होती हैं, नीचे नहीं है। तो उसमें हम सिंपल लेयरिंग तो नहीं कर सकते ना, या कंपाउंड या माउंड लेयरिंग नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए रिंग ऑफ बार्क इज रिमूव्ड और गर्डल्ड। देखिए आप देख पा रहे हैं ना, बार्क समझते हैं ना आप, ठीक है। तो बार्क जो है वो बाहर से रिमूव कर दिया गया, वैस्कुलर बंडल जो है उसको इंटेक्ट रखा जाता है, जाइलम फ्लोएम को जो है वो इंटेक्ट रखा जाता है। बार्क को, बार्क क्या समझते हैं आप, किससे बाहर बार्क होता है, सेकेंडरी फ्लोएम से बाहर सारा क्या आता है, ये बार्क ही तो होता है। सेकेंडरी फ्लोएम भी किसमें आता है, बार्क में आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो उसको पूरा रिमूव कर दिया गया, ठीक। तो वेस्कुलर टिश्यू को इंटेक्ट रखा गया, ठीक है। फिर गर्डल पार्ट इज देन कवर्ड विद मॉइस्ट मॉस, स्फेग्नम, पीट मॉस आपने पढ़ा होगा, ठीक है। पीट मॉस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक। पीट मॉस से इसको कवर कर दिया जाता है, या फिर ग्राफ्टिंग क्ले आता है उससे कवर कर दिया जाता है, और फिर बाहर पॉलिथीन बैग लगा दिया जाता है। अब क्या हुआ, अब इस रैप्ड पोर्शन को, जो रैप्ड पोर्शन है पूरा रैप किया है आपने, उसको गूटी कहते हैं, याद रखिएगा। एयर लेयरिंग को और क्या कहा जाता है, गूटी, ठीक। एंड द गर्डल पोर्शन इन साइड द गूटी ड्वेल्स
रूट्स, ठीक है। अब ये जो पूरा पोर्शन आपने गर्डल किया है यहाँ पे क्या हो जाएगी, दिख रहा है आपको, एडवेंटिशियस रूट्स आ गई, आ गई एडवेंटिशियस रूट्स। अब इस ब्रांच को जो है अब कट करके, ठीक है, यहाँ से अलग करके फिर से मिट्टी में डाल देंगे और ये एक नए प्लांट की तरह ग्रो करेगी। तो एग्जाम्पल आपके पास आते हैं पोमेग्रेनेट एंड ऑरेंज। बेटा आपको समझ आया कि नहीं आया? एयर लेयरिंग को और क्या कहते हैं, गूटी। क्या कहते हैं एयर लेयरिंग को? गूटी। उसमें क्या किया जाएगा, हवा में एक टहनी है भाई, टहनी में बड होनी चाहिए, ठीक। फिर उसको क्या किया आपने, तो गर्डल किया, उसका बार्क को रिमूव कर दिया। बार्क को रिमूव करने के बाद पीट मॉस स्फेग्नम से उसको ऐसे रैप कर दिया, पहले उस पे स्फेग्नम कवर से कवर कर दिया उसको पूरा, या आप ग्राफ्टिंग क्ले यूज कर सकते हैं। और उसके बाद उसके चारों ओर क्या लगा दिया गया, पॉलीथिन लगा दिया गया। थोड़े से टाइम बाद उस पे क्या निकल आएंगी, रूट्स निकल आएंगी। अब इस हिस्से को आप काट के जो है वो एज ए नए प्लांट की तरह आप इसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास आता है ग्राफ्टिंग, ठीक। अब ग्राफ्टिंग आसान है, बहुत आसान है, ठीक। क्या हो गया ग्राफ्टिंग में, ये आ गया आपके पास सयॉन, ये आ गया रूट स्टॉक। सयॉन क्या हुआ, जिसपे बड होगी, ठीक है, और रूट स्टॉक क्या आ गया, जिसपे रूट्स होंगी, ठीक है। तो ये अच्छी क्वालिटी के प्लांट से लेने पड़ते हैं, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। तो सयॉन जो शूट वाला हिस्सा होगा वो होगा सयॉन, सियॉन, और जो रूट वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा, सॉरी, रूट स्टॉक। इन दोनों को देखिए जोड़ा जाएगा, कट ऐसे किया जाएगा कि दोनों फिट हो जाएं, और उसके बाद जोड़ा जाएगा, थोड़ा रैप कर दिया गया, वैक्स लगा दिया गया, और ये एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करेंगे। अलग अलग से लिया हमने, सेम स्पीसीज का है, अलग अलग से हमने लिया, ग्राफ्ट किया, और उसके बाद वैक्स किया इसको, वैक्स लगाया इसको, रैप किया, और ये एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करेगा। यही ग्राफ्ट होता है, इसी को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। फिर ग्राफ्टिंग अलग अलग तरह से आ जाता है, बहुत अलग अलग तरह से जो है आप ग्राफ्टिंग पढ़ लेते हैं, ठीक। वेज ग्राफ्टिंग हो जाता है, क्राउन ग्राफ्टिंग हो जाता है, साइड ग्राफ्टिंग हो जाता है, टंग और विप ग्राफ्टिंग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर मैं बोलती हूँ टंग और विप ग्राफ्टिंग, ठीक, तो मतलब कोई फर्क नहीं है, बस थोड़ा एंगल चेंज करके, ठीक, वो ऑब्लिकली कुछ प्लेस करके जो है वो ग्रो कर दिया जाएगा। ये सेम ही है, इतना कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है ना, इसमें कुछ इतना एक्स्ट्रा पढ़ने वाली बात है। जैसे मैं क्राउन ग्राफ्टिंग कहती हूँ, तो क्राउन ग्राफ्टिंग में क्या होगा, रूट स्टॉक पे, ठीक है, बहुत सारे सेयॉन लगा दिए जाएंगे, एक बड़ा सा रूट स्टॉक लिया जाएगा, जिसको क्या किया जाएगा, वैज शेप्ड फिर कट किया जाएगा, और बहुत सारे उसमें क्या कर दिए जाएंगे, सेयॉन इंसर्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से होता है, आपको मेन याद रखना है ग्राफ्टिंग। एनसीईआरटी में भी इसको मेंशन नहीं किया गया है, स्टिल आपको जानकारी होनी चाहिए कि ग्राफ्टिंग क्या होता है। तो इन दिस टू प्लांट्स आर ज्वाइंट टुगेदर इन सच अ वे दैट दे ग्रो एज वन प्लांट। कैसे ग्रो करते हैं वो, एक ही प्लांट की तरह। रूटेड पार्ट इज कॉल्ड रूट स्टॉक एंड अदर विद अ ट्विग इज कॉल्ड सियॉन। ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग सियॉन विद द बट इंटेक्ट, मतलब उसकी बर्ड्स कैसी हैं, इंटेक्ट। ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग सियॉन विद ऑल बर्ड्स इंटेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द कट एंड ऑफ द रूट। द जॉइंट बिटवीन टू इज कवर्ड विद वैक्स। जो जॉइन जॉइंट होगा बीच में, दोनों के बीच में जो जॉइंट होगा उसको वैक्स से कवर कर दिया जाता है। विद इन अ फ्यू डेज द सियॉन एंड द रूट स्टॉक बिकम कंपोजिट प्लांट। मतलब क्या हो जाएगा, वो थोड़े दिन बाद वो एक ही प्लांट की तरह ग्रो करेंगे। एग्जाम्पल आता है मैंगो, रोज एंड एप्पल, और भी बहुत सारे प्लांट हैं जिनको हम ग्राफ्टिंग से जो है तैयार कर सकते हैं। तो रूट स्टॉक क्या होता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए, सियॉन क्या होता है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। रूट स्टॉक समझ गए ना क्या होता है, ठीक है। एक और आता है बड, और बड ग्राफ्टिंग बोल देते हैं हम। बडिंग में भी क्या होता है, बडिंग ग्राफ्टिंग की तरह ही होता है, उसमें भी ऐसा कोई अलग से कुछ नहीं करना होता है। बस उसमें क्या होता है कि एक प्लांट है, एक प्लांट दूसरे प्लांट को जो आपको लाना है, जो सियान लाना है आपको, ठीक है, उसको भी हम चलो सियान बोल देते हैं, ठीक। उसमें भी एक बड होनी चाहिए। अब उसमें अलग अलग टेक्निक्स रहती हैं, जैसे एक, अब मैं यहाँ पे शो नहीं कर पाऊंगी आपको, पर आप यही समझ लीजिए बडिंग जो है वो ग्राफ्टिंग की तरह ही होता है, उसी के थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म जो है वो क्या आ जाता है, बडिंग। बडिंग में जो है वो क्या क्या आता है, सियोन जो है उसके पास एक बड होना चाहिए अलॉन्ग विथ बार्क, ठीक। और उसका कैम्बियम कैसा होना चाहिए, इंटेक्ट होना चाहिए। कैम्बियम समझते हैं ना आप, कैम्बियम उसका कैसा होना चाहिए, इंटेक्ट, ठीक। और जो सियॉन है बडिंग में, सियॉन को रूट स्टॉक में कुछ ऐसे इंसर्ट किया जाता है कि सियॉन
और रूटस्टॉक का कैम्बियम जो है वो एकदम फिक्स हो जाए, समझ गए ना। फिर उसको भी ऐसे रैप कर दिया जाता है, और लेकिन बड को बाहर की तरफ एक्सपोज रखा जाता है, और उसको फिर थोड़े से हार्मोन्स वगैरह डाल के उस पे भी रूट्स बनाती हैं। रूट्स बनाती हैं तो फिर उसको काट के अलग प्लांट की तरह ग्रो करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है एक सिंगल ऐसे ही ग्रो कर जाएगा। बड में जो है जैसे ये सेयॉन है, ठीक, ये रूट स्टॉक है, ठीक, यहाँ से आप लेंगे, ये ले लेंगे आप, ठीक। यहाँ पे पैच टेक्निक में आपको बता रही हूँ, इस तरह से आपने काटा, ठीक है, और यहाँ पे बड थी, आपको यहाँ भी वैसे ही काटना पड़ेगा, ठीक। वहाँ यहाँ भी आपने वैसे ही काट दिया, यहाँ से उठाइए बड को, यहाँ फिक्स कर दीजिए, रैप कर दीजिए, बड को एक्सपोज रखिए, यहाँ पे रूट बनाएगी, और फिर इसको अलग करके हम एज अ न्यू प्लांट ग्रो कर देंगे, ठीक है, समझ गए आप। लेकिन यहाँ पे आपको बडिंग पे ध्यान नहीं देना है, बडिंग में बस इतना रखिएगा कि कैम्बियम को जो है वो इंटेक्ट रखा जाता है। आप ग्राफ्टिंग समझ गए, ग्राफ्टिंग क्या होता है, चलिए ठीक है। अब लास्ट हमारे पास आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। ए वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो क्या कहें इसको हम, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का ही ये हिस्सा है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन समझ लीजिए, सोमैटिक रिप्रोडक्शन समझ लीजिए, ठीक है। अब प्लांट टिश्यू कल्चर, और इसको हम और क्या बोल देते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। प्लांट टिश्यू कल्चर को हम और क्या बोल देते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन, समझ गए ना आप। देखिए अब इसमें क्या हुआ, देखिए आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है, ये पौधा दिखाई दे रहा है, ठीक। फिर इससे आपने ये ले ली, चाहे आप एक सेल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो एक सेल भी ले सकते हैं, एक सेल, देखिए आगे सेल भी लेंगे आप, ठीक। आपने इससे लीव्स ली, अब ये लीव्स क्या होगी, एक्स प्लांट। एक्स प्लांट क्या होता है बेटा, जिसको जिससे हमें नए प्लांट्स बनाने हैं, जिस सेल को, जिस टिश्यू को हमने पूरा प्लांट बनाने के लिए यूज किया, उसको हम क्या कहते हैं, एक्स प्लांट। फिर से सुनिए बेटा, जिस सेल को, जिस टिश्यू को हमने एक पूरा का पूरा प्लांट बनाने के लिए यूज किया, उसको हम क्या बोल देते हैं, एक्स प्लांट। एक्सपैंड को लिया, फिर इनको चलिए स्टेरलाइज कर दिया, इन पे जितने भी जर्म्स थे उनको हटा दिया गया, ठीक। फिर इनका इनोकुलम बनाया गया, मीडियम में इनको रखा गया, ठीक। अब मीडियम में क्या रखा गया, मतलब इनको इनको जो है वो असेंशियल जितने भी एलिमेंट्स हैं वो प्रोवाइड किए गए, इनको जो है वो ग्रोथ हॉर्मोन्स प्रोवाइड किए गए, यहाँ पे ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों का बराबर ही रेशियो रखा जाता है, ठीक है। अब देखिए अब क्या हुआ, ये जो सेल्स हैं, अब ये जो टिश्यू लिया गया था, एक तरह से एक ऑर्गन ही ले लिया गया, दिखाया गया है यहाँ पे, लीव एक ऑर्गन की तरह ही आ गया, ठीक है। फिर इनमें क्या होगा, ये अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनने लगेगा, ठीक है। अन मतलब अब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन डाले, बहुत ज्यादा क्या होगा, सेल डिविजन होगा, फिर बनेगा एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल, जिसको हम बोलते हैं कैलस, ठीक। और कैलस में मेनली फिर आप डालेंगे ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, फिर से आप डालेंगे तो आप क्या होगा, रूट और शूट का फॉर्मेशन होगा, वो छोटी छोटी प्लांटलेट बन जाएंगी। उन प्लांटलेट को लेके आप पॉट में डाल सकते हैं या फिर नर्सरी बेड्स पे डाल सकते हैं। देखिए किस तरह से एक टिश्यू से, एक ऑर्गन से पूरा का पूरा प्लांट तैयार किया जा सकता है, इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन और प्लांट टिश्यू कल्चर। इसके बारे में आप आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बताना जरूरी था इसलिए मैं बता रही हूँ। ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही मेथड है। इसमें सारे के सारे प्लांट्स जो होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, समझ गए ना। देखिए इसे हम हैप्लॉइड प्लांट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ये सोच के बताइएगा मुझे, समझ नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। इट इंक्लूड्स प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स बाय कल्चरिंग द सेल्स टिश्यूज एटसेट्रा। कल्चर्ड सेल्स फॉर्म एन अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स कॉल्ड कैलस। जैसा ये बना है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल को क्या बोल गया हमने, कैलस। कैलस लेटर डिफ्रेंशिएट टू प्रोड्यूस प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स आर लेटर ट्रांसफर टू पॉट्स और नर्सरी बेड्स। दिस टेक्निक इज यूजफुल इन ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट। तो ये टेक्निक जो है वो किसमें हेल्पफुल है, वायरस फ्री प्लांट अगर हमें चाहिए तो उसमें ये टेक्निक हेल्पफुल होगी। तो इसी के साथ जो है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे खत्म हो जाता है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपने पढ़ा, उसके बारे में पूरा जाना, फिर आपने फंजाई में भी पढ़ा कि अलग अलग स्पोर्स होते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए, आपने बाइंड डिफ्यूजन पढ़ा, बडिंग पढ़ा,
ठीक है। उसके बाद आपने वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपने नेचुरल मेथड्स पढ़े, आर्टिफिशियल मेथड पढ़े। नेचुरल में उम्मीद करती हूँ आपको पूरा समझ आ गया होगा, तो ध्यान से एक एक स्टेप को देखते हुए चलिएगा, समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन उससे पहले एक प्रश्न आ जाता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन के क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। चलिए देखिए, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या करता है। देखिए एग है, स्पर्म है, 23 क्रोमोसोम होंगे दोनों में। फिर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से क्या बन गया, जाइगोट। अब क्या हो गया, 46 क्रोमोसोम, 23 पेयर्स, ठीक है। एक किससे आया है, मदर से, एक किससे आया है, फादर से, और फिर एम्ब्रियो में भी कितने रहेंगे, 46 क्रोमोसोम। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लॉयडी को रिस्टोर करता है, ठीक है। 23 23 बचे थे ना, प्लॉयडी को क्या कर दिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने, रिस्टोर कर दिया। अगर हम, मैंने कहा यहाँ पार्थिनोजेनेसिस हो जाए, मतलब एग से ही डायरेक्ट जो है इंडिविजुअल बन जाएगा, ठीक, तो क्या होगा, वो हो जाएगी पार्थिनोजेनेसिस। क्या उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिस्टोर होंगे, नहीं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को स्टोर करने का काम करता है, ठीक। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक डिप्लॉइड सेल है, डिप्लॉइड सेल ये बाद में बना, ठीक है। चलिए ये देखते हैं, डिप्लॉइड सेल है, हम भी कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। हमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं हमें, 46। देखिए यहाँ पे एक क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम रखा दे रखा है। अब ये जो एक क्रोमोसोम होगा, क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, 2 होगा, हमारे पास हर एक क्रोमोसोम की क्या होंगी, दो कॉपीज होंगी। देखिए एक मदर से आया है, एक फादर से आया है, क्रोमोसोम नंबर 2 एक मदर से है, एक फादर से है। फिर हुआ मियोसिस, मियोसिस में क्या होता है, अब क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए, हाफ हो गए। देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम रहेगा, ठीक है, एक एक ही क्रोमोसोम रहेगा, ये दो कॉपी नहीं रहेंगी। अब क्या रहेगा, एक ही क्रोमोसोम रहेगा। इसीलिए जो 46 क्रोमोसोम थे वो कितने बचे, आप गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम ही बचे। अब इनकी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा, जाइगोट बनता है। तो यही होता है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली प्लॉयडी को रिस्टोर करता है, ठीक, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनाता है, जिसमें क्या आते हैं, वेरिएशन आते हैं, समझ गए ना। फिर क्या क्या इवेंट्स क्या आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये फर्टिलाइजेशन है, दिखाई दे रहा है आपको फर्टिलाइजेशन, पहले तो आगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर आगे फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें कौन कौन से इवेंट्स आ गए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फिर हो गया फर्टिलाइजेशन, और फिर हुए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो क्या आएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आ गया गैमिटोजेनेसिस, गैमिट का फॉर्मेशन। गैमिट कैसे बनता है, गैमिट की फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, गैमिटोजेनेसिस। गैमिट तो बना, फिर क्या होगा, गैमिट का ट्रांसफर होगा, ठीक। तो दूसरा आ जाएगा गैमिट ट्रांसफर, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में एक आया गैमिटोजेनेसिस, दूसरा आया गैमिट का ट्रांसफर, फिर हुआ फर्टिलाइजेशन, फिर पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जाइगोट बना, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ठीक। ये सब किस में आएगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो है वो हम डिटेल जो है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पे भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर खत्म करेंगे, लेकिन लास्ट में जो आपका होमवर्क है वो आप देख लेंगे, ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल देना है, चलिए कमेंट सेक्शन में भी ये बताना है, बाकी आप कुछ बताएं ना बताएं कमेंट सेक्शन में, एक जो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछे हैं वो आपको जरूर बताने हैं, और जो मैंने ये लास्ट में क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो भी आपको जरूर बताने हैं, ठीक है। तो गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रनर, शकर एंड राइजोम। ओहो, मैं आपको बताना भूल गई एपोमिक्सिस एंड एंथ्रीमिक्सिस के बारे में। चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, एपोमिक्सिस हो गया आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और क्या कहा जाता है, एंथ्रीमिक्सिस, समझ गए ना आप, एपोमिक्सिस ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंथ्रीमिक्सिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आपके पास आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रो प्रोपगेशन, व्हाट इज
कैलस. क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन एक्स प्लांट. क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन आर्टिफिशियल एज वेल एज नेचुरल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन. तो ये बड़ा क्वेश्चन है, वो लोग जो कि नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, उनके लिए ये क्वेश्चन है. बाकी जो छोटे क्वेश्चंस हैं उनके जवाब आप सब लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे, और जो शुरू में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके जवाब भी ज़रूर देंगे. कोई बात समझ ना आई हो तो ज़रूर बताइएगा. स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ, सेफ रहिए. घर पे अगर आलस हो रहा है तो खुद को क्या करिए, मोटिवेट करते रहिए कि एक दिन ऐसे ही डॉक्टर हमें भी बनना है, ऐसे ही देश की सेवा हमें भी करनी है. तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, बाय बाय.